हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइस, अगर आप झारखंड आईटीआई काउंसलिंग के सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हिस्सा लेने चाह रहे हैं या लेने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग से पहले किन किन कॉलेज में कितनी सीटें खाली रहती हैं। ठीक है, इस चीजें पे, इन चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका कि एडमिशन अभी तक नहीं हो सका है आईटीआई के संस्थानों में, लाइक गवर्नमेंट आईटीआई में नहीं हो सका है, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे उनका सीट अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आया हो या फिर उनको उनका लेटर में नाम आया हो लेकिन उनको ट्रेड और जो है कॉलेज पसंद नहीं हो, इस वजह से ये भी एक रीजन था, या फिर जो है कुछ बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, अब वो चाह रहे हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उनको एक अंदाजा लगना चाहिए कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली रहती हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो गाइज यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो आपको सारा कुछ पता रहता है कि किस कॉलेज में कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अंदाज रहता है कि हाँ भाई अभी जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है तो इस कॉलेज में इतना सीट है इलेक्ट्रिशियन के लिए, ठीक है, इस कॉलेज में इतना सीट है फिटर के लिए। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है, लेकिन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो बच्चे ने एडमिशन लिया, अब जो बच्चे नहीं रिपोर्ट किए या फिर जो है वो जितना रैंक आया था उतना रैंक सारा नहीं भरा, कॉलेज नहीं भरा, तो उस केस के लिए फिर से सेकंड राउंड काउंसलिंग होता है, जो कि डेट क्या है इसका, 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का डेट है। फीस का देख लीजिए गाइज, यहाँ पे जो है आप लोगों को 400 रुपया देना पड़ेगा, और इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा किनको फीस लगेंगे और किसको फीस नहीं लगेगा, इसके पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूँ सारा कुछ। अब देख लीजिए यहाँ पे सिंपल जो है एक गप है, क्या है कि मैं एक आप लोग को एनालिसिस कराऊंगा अभी, ठीक है, पिछले साल का आंकड़ा आपको दिखा करके, हालांकि इस बार का भी अब तो काउंसलिंग 5 तारीख का खत्म हो चुका है, तो अब न्यू लिस्ट इस साल का भी जारी हो जाएगा, मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो है किस कॉलेज में कितना सीटें खाली रही ये चीज डाटा आ जाएगा, अब एक दो दिन में ही आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अभी आप लोग को पिछले साल का डाटा देख करके एक अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ भाई इस कॉलेज में इतना इतना सीटें में भी खाली रह सकता है इस बार भी। ठीक है, तो इसको आप लोग 100% ऑथेंटिक नहीं मानेगा, क्योंकि ये एक अनुमान और एक पिछले साल का डाटा का कंपैरिजन ही किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार से इसको जो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं है कि इस बार पिछले साल जो है इतना रहा तो इस बार भी इतना ही सीट खाली रहेगा। तो ये कहिए, हम जो है पीडीएफ खोल लिए हैं और ये पिछले साल का है, ये डाटा है, और आप चाहिए तो ये पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पे जो है ये सीट मैट्रिक्स कब का है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग जो शुरू होगा उसके पहले का सीट मैट्रिक्स, मतलब कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। तो देख लीजिए, बोकारो का जो आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है वहां पे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कितना सीट बचा रहता है, 13 सीट, अच्छा खासा सीट बच जाता है। फिटर की बात करेंगे तो फिटर में देख लीजिए 12 सीट जो है खाली रह गया था पिछले साल। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद 12 सीट फिटर में रह गया था। उसी तरह से यदि कुछ मुख्य मुख्य और ट्रेड का बात करें तो वेल्डर देख लीजिए, वेल्डर में 33 सीट खाली रह गया था। गाइस सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट में सीट खाली रह गया, ऐसा क्यों हुआ होगा आप अंदाजा लगाइए, इसलिए हुआ होगा क्योंकि बच्चे बहुत सारे जो है रिपोर्ट नहीं किए होंगे कॉलेज में चाहे किसी भी रीजन से, और दूसरी बात है कि वो जो चॉइस फिलिंग करते हैं ना, चॉइस फिलिंग ही गलत करते हैं, बिल्कुल सरासर गलत करते हैं। उनका रैंक है से फॉर एग्जाम्पल 5000 है और उस और सिर्फ वो टॉप रैंक का एक दो कॉलेज डाल के छोड़ दिए हैं, इसलिए आपका आप क्या कीजिए ना, गवर्नमेंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज डाला कीजिए। ठीक है, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा ऐसे में। ठीक है, खैर यहाँ देख लीजिए, उसके बाद अच्छा सेकेंड राउंड काउंसलिंग 9 तारीख से पहले ही मैं एक वीडियो ला भी दूंगा, तो कि कैसे कैसे आप किन बातों का ख्याल रखिएगा चॉइस फिलिंग में, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको आईटीआई जुड़ी हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि पीछे रैंक वाले बच्चों को भी अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो खैर यहाँ देखिए आगे यदि बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन तो आपने देख लिया, अब ये देखिए ये दूसरे जगह का है, मतलब बोकारो का ही आईटीआई चंदन क्यारी जगह है वहां का, देखिए गवर्नमेंट है, ये टाइप क्या है सारा देखिए यहाँ लिखा भी है गवर्नमेंट टाइप। ठीक है, यहाँ तक बोकारो का, फिर इधर बोकारो का ये सब हो गया प्राइवेट वाला सब है। ठीक है, यहाँ पीबीटी का मतलब प्राइवेट और जीओबीटी का मतलब गवर्नमेंट। ठीक
ठीक है, ये देख लीजिएगा जनरल का, ये जनरल सीट हो गया, एसटी का सीट हो गया, एससी का हो गया, बीसी वन, बीसी टू, ईडब्ल्यूएस, पीएच, एसएमक्यू, और टोटल सीट जितना खाली है। तो आगे यदि बढ़ते हैं तो ये बोकारो का हो गया, उसके बाद देखिए देवघर, देवघर में यदि हम लोग बात करें गवर्नमेंट का, तो इलेक्ट्रीशियन देखिए 16 सीट खाली रह गया था, सोच लीजिए। तो मान लेते हैं यदि कोई बच्चा जिनका कि पीछे सीट था, ठीक है, अच्छा कैटेगरी भी देखना होगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा। देखिए बीसी का जैसे यहाँ खाली हो चुका था, बीसी में एक भी नहीं बचा, बच्चे ने ले लिया, लेकिन जनरल कैटेगरी में यहाँ सीट खाली था। तो जनरल कैटेगरी से यदि आप भर्ते, आपका 10,000 भी रैंक रहता तो आपको आराम से ये कॉलेज मिल गया रहता इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। लेकिन ना, आप तो रांची का कॉलेज भरे होंगे तो कहाँ से मिलेगा, है ना। इस बात को बार बार मैं एक ही चीज को फोकस इसलिए करता हूँ, अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज का चुनाव किया कीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग यही है इसमें डिमेरिट एक तरह का, क्योंकि डिमेरिट तो नहीं कहिए, जो जिनको काउंसलिंग का प्रोसेस मालूम है उनके लिए बहुत मेरिट भी है, पीछे का रैंक है लेकिन अच्छा कॉलेज ले लेते हैं, तो प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए। और आजकल तो सब जगह ऑनलाइन काउंसलिंग ही होता है, चाहे बीएड हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे बीटेक हो, सब जगह देख लीजिए आप। उसके बाद यदि आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जो है ये धनबाद वाला, ठीक है, धनबाद का देख लीजिए, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ऊपर चलना होगा मुझे, देखिए यहाँ पे धनबाद का, ठीक है, ये धनबाद, यहाँ मिसिंग यहाँ लिखा नहीं है धनबाद होगा। तो खैर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में देखिए कितना सीट खाली था, 18 सीट फिर भी खाली था, ठीक है, सारा कैटेगरी में सीट खाली था। उसके बाद फिटर में, फिटर में कितना, 15 सीट खाली था। देखिए गाइस ये बच्चे रिपोर्ट नहीं किए कॉलेज में, ठीक है, ये बच्चे रिपोर्ट नहीं किए, इस वजह से सीट खाली रह गया, सिंपल सा यही फंडा है। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वुमेन्स कहाँ का है, ये दुमका का देख लीजिए। दुमका की यदि बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में 5 सीट खाली था और फिटर में 12 सीट खाली था। खैर गाइस ये लिस्ट आप लोग ले लीजिएगा, जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और आप देख लीजिएगा आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उसी डिस्ट्रिक्ट में हम पढ़ाई करें तो अपने डिस्ट्रिक्ट का इसमें सर्च कर लीजिएगा और फिर ले लीजिएगा, ठीक है, आराम से आप इन चीजों को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा लिस्ट है। अब कितना मैं आप लोगों को बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग भी बोलने लगते हैं कि सर कितना लंबा वीडियो, लेकिन वीडियो जो जो भी लंबा होता है इन्फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे जो है पूरा पूरा वीडियो वॉच करते हैं, तो मुझे खुशी भी होती है कि चलिए बच्चे जो है समझ रहे हैं चीजों को। खैर आइए और दूसरा कॉलेज में चलिए एक दो हम लोग रांची वगैरह का देख लेते हैं, वहां पे क्या सीट खाली रहता है, क्योंकि डिमांडिंग जो आईटीआई है वो रांची वाला है। खैर यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली ना सिर्फ गवर्नमेंट आईटीआई लिख दिया है, और यहाँ पे आपका जिला का नाम है मगर उस तरह से क्लियरली नहीं। देखिए यहाँ लातेहार का यदि बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रीशियन में भी 24 सीट खाली था लातेहार का। फिर पाकुड़ का देखिए यहाँ पे, तो पाकुड़ में आपका जो है इलेक्ट्रीशियन में 15 सीट खाली था, फिर फिटर में कितना, 20 सीट खाली था। उसके बाद पलामू, पलामू भी है देख लीजिए, पलामू में आपका इलेक्ट्रीशियन में 9, फिर फिटर, फिटर में 14। गाइज आप लोग को इलेक्ट्रीशियन फिटर में डाउट है कि कौन सा ट्रेड लेना चाहिए तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं आप लोग को अच्छे से समझा दिया हूँ कि किसमें स्कोप अच्छा है क्या है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, वहां से आप जाकर के चेक करें। देखिए रांची का यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जनरल वाला रांची में देखिए इलेक्ट्रीशियन में मात्र 6 सीट खाली था, फिर भी खाली था, बीसी1 बीसी2 गायब, ठीक है, जनरल कैटेगरी में एसटी एससी में 1-1 सीट खाली और जनरल में 2 सीटें खाली रह गई थी। उसके बाद फिर जनरल वाला में जो ये आपका देखिए खाली ये क्यों रहा, क्योंकि बच्चा जो है हो सकता है कि ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि यहाँ आईटीआई का भी भर दिए हैं और कहीं दूसरे जगह भी उनका एडमिशन है, टेंथ कर रहे हैं, आई मीन ट्वेल्थ कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, मेनली सीएलसी कहाँ से लाएंगे, इस पर भी मैं वीडियो बनाया हूँ कि क्या वैलिड है, आप एडमिशन आपका होगा इसका। देखिए इसमें बता दे रहे हैं आपका एसएलसी यदि नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा गवर्नमेंट में, खासकर 100% नहीं होगा लिख के देता हूँ, ठीक है। और दूसरे जगह से जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे में क्या होता है सीट खाली रह जाता है, इसलिए गवर्नमेंट का देखिए सीट खाली है, ये लड़का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया होगा इस वजह से ऐसा हुआ है। फिर भी देखिए कितना फिटर में 17 सीट खाली रह गया। और देखिए इसमें वेलफेयर का देख लेते हैं, ठीक है, वेलफेयर रांची वेलफेयर जो है यहाँ पे यदि देखिए हम लोग तो फिटर का यहाँ देखिए यहाँ फिटर का भी सीट खाली है, 9 सीट खाली है, और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन मुझे नहीं दिख रहा वेलफेयर वाले में, शायद इलेक्ट्रीशियन पूरा फुल हो गया होगा,
इलेक्ट्रिशियन में देखिए सीट नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है, वेलफेयर वाले में, या हो सकता है मेरे नज़र से छिप रहा हो तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा। खैर आइए और बताइए आप लोग, यहाँ पे तो और आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, आप लोग को यदि जानना होगा किसी कॉलेज का तो मैं देख के बता दूंगा। ऐसे आप लोग जो है इस पीडीएफ को भी ले लीजिएगा तो ग्रुप में ज्वाइन होकर के, टेलीग्राम ग्रुप में। तो गाइज ये पूरा जो है लिस्ट आप लोग को मैंने दिखा दिया, तो ये सीट स्टेटस है आप लोग का टेंथ का, ठीक है, कि क्या सीनेरियो रहता है, आप लोग को किस कॉलेज में क्या चांसेस बनता है नहीं बनता है, किस कॉलेज में आप इस इन चीजों को भी पढ़ के समझ के एक थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। पिछले वीडियो जो मैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो मेरी वीडियो बनाया था उसमें बहुत बच्चे मेरे इन चीजों को ध्यान से सुन करके समझ करके इन पीडीएफ को वॉच करके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में उनको अच्छा कॉलेज मिल गया और मुझे बहुत थैंक्स भी किए थे। मैं कमेंट सेक्शन में भी दिखा दूंगा और वीडियो भी बनाया था उसमें देख लीजिएगा आप लोग, तो अच्छा लगता है कि चलिए मेहनत करने पे किसी के काम आता है। तो खैर गाइस चलिए कोई नहीं, आप लोग जो है इस पर फिर मैं एक और वीडियो लाऊंगा, ठीक है, कि आप लोग जो है कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और किन किन कॉलेज आपके लिए कितने रैंक के लिए सही रहेगा। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग झारखंड आईटीआई से जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग को। और दूसरी बात है कि मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से मेरा एक सिंपैथी है अपने झारखंड वासियों के लिए और वहाँ यहाँ के बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस यदि मुझे कुछ आ रहा है तो मैं दे रहा हूँ, तो मुझे खुशी है इस बात की कि क्योंकि देखिए एक बच्चा पढ़ाई करता है मेहनत करता है और उसको अच्छा कॉलेज मिलता है तो सबको खुशी होता है, ठीक है, तो ये चीज है। तो गाइस चलिए वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और एक थंब जरूर प्रेस कीजिएगा लाइक बटन का। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आगे के अपडेट्स जितने भी आते रहेंगे पल पल के अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट आ जाए। और पूरा वीडियो सुना कीजिए, पूरा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट कोई समय नहीं है 24 घंटा में, पूरा वीडियो सुनिएगा तो आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ सीख के ही जाइएगा। यहाँ पे तो कुछ तो बकवास नहीं करते हैं, जो भी बताते हैं आपके यूजफुल ही होता है। गाइस चलिए टेक केयर, थैंक यू।